प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान गणेश अपने भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं। जी हां, रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान गणेश आगामी 7 सितंबर को अपने भक्तों के घरों में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसके चलते भक्तों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं कलाकारों ने कई मुद्राओं में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को तैयार किया है। गणेश प्रतिमाओं से बाजार और दुकानें गुलजार हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। रिद्धि सिद्धि बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश 7 सितंबर को भक्तों के बीच विराजमान होने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी का उत्साह इंदौर में दिखाई देने लगा है। एक तरफ गली मोहल्लों चौक चौराहों पर गणेश पंडाल सजकर तैयार हैं, तो दूसरी तरफ गजानंद भगवान की प्रतिमाएं भी तैयार हो चुकी हैं। मूर्ति कलाकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं कई जगहों पर कलाकारों ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं का कई सुंदर मुद्राओं में निर्माण किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद इस बार भगवान राम के स्वरूप में गणेश प्रतिमाओं की ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। बप्पा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं सजकर तैयार हो चुकी हैं। हमारा तो पुश्तैनी बिजनेस है ये, हमारा 40-50 साल से चल रहा है। मेरे दादाजी करते थे, फिर पापा करते थे, फिर मैं संभाल रहा हूँ। और ये हमारा मतलब एक तौर से मतलब ये क्या हमारा पुश्तैनी बिजनेस ही हो गया। ये इस बार राम जी स्वरूप की ज़्यादा डिमांड है, हनुमान जी पैटर्न में ज़्यादा डिमांड है। और थोड़ा सा खास ये है कि महाकाल मंदिर में जो मूर्ति बैठेगी वो सुपाड़ी से निर्मित हो रही है, सुपाड़ी से बन रहे हैं। वो महाकाल मंदिर में जाएंगे, 1.25 लाख सुपाड़ी से मूर्ति बन रही है वो सुपाड़ी से। और एक मूर्ति और बन रही मेरे यहाँ पर रुद्राक्ष से बन रही, वो भी महाकाल मंदिर में जाएगी। हमारे यहाँ पे 3,000 से स्टार्टिंग है, 1.5 लाख रुपए तक मूर्तियां है। और मेरे यहाँ पे 3 फीट से स्टार्ट होकर 21 फीट तक की गणेश जी बना रहे हम लोग। और उसमें आपको अलग अलग रूपों में हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे भोलेनाथ जी के पैटर्न में, कृष्ण जी के पैटर्न में, हनुमान जी के पैटर्न में, राम जी के पैटर्न में, फिर आपके लालबाग के राजा दगरू सेठ, शिवाजी पैटर्न में, अलग अलग स्वरूप में मांग रहे लोग। हमारा काम 6 महीने पहले से स्टार्ट होता है, 25 लोगों की पूरी टीम है मेरी, ये लोग दिन रात लग के ये काम करा इन लोगों ने। इस बार तो अभी गणेश जी जाने के बाद में पता चलेगा कि मार्केट कैसा क्या है। ये महाकाल मंदिर के युवराज हैं और महाकाल मंदिर पर बैठेगी ये प्रतिमा। एंड हम लोग लास्ट ईयर भी हमने मोरपंख से सजाया था और अभी भी बहुत कनेक्टेड है हम लोग महाकाल से। और आस्था भक्ति 6 दिन से लगे हुए हैं हम लोग इस प्रतिमा को तैयार करने में, और एक एक सुपाड़ियाँ चिपकाना पड़ रही है, बहुत उससे कर रहे हैं रेडी हम लोग। लगभग 8 क्विंटल लगी है इसमें जी। और अतुल भैया का वो है, आपको तो पता ही है, और पूरे 6 दिन से लगातार हम लोग कर रहे हैं, रात दिन काम चल रहा है। आस्था भक्ति है अंकल पूरी, और गणपति बप्पा में कौन इंटरेस्ट नहीं लेगा, फेवरेट है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था, जो कि इस वर्ष आगामी 7 सितंबर को आ रही है। इस दिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने आ रहे हैं, जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।